परियोजना है। ये शोभापुर के पहले रीना टोला के नाम से सर स्वीकृत हुआ है। पुराना स्वीकृति आदेश में स्पष्ट लिखा है रीना टोला, लेकिन उसको धीरे धीरे रीना टोला से क्रॉस करते 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 शोभापुर ले आया गया। हाँ, तो महोदय अगर ये बांध हमारे शोभापुर में बांधा जाएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ कहीं भी बंजर भूमि नहीं है सर। ये पूरा इतना उपजाऊ भूमि है जो हमारा ये क्षेत्र, ये नर्मदा कछार का क्षेत्र है। यहाँ की उपज पूरे संभाग के लोगों का जीवन यापन कराती है। हम लोगों के किसान भाई यहाँ पर जो अन्न उपजाते हैं, यहाँ का अन्न पूरे संभाग के लोग पूरा खाते हैं। यहाँ का अन्न, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश बिहार तक यहाँ का अन्न जाता है सर, गेहूं और धान। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम ये हमारा आदिवासी समाज कभी भी विकास का विरोधी नहीं रहा, हमेशा विकास चाहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि विकास के नाम पर आदिवासियों को ही मिटा दिया जाए, मिटाने का काम किया जा रहा है उसका विरोध आदिवासी समाज करता है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जहां पर बांध पहले स्वीकृत हुआ था वहीं पर बांध बंधवा दिया जाए। हम सारे आदिवासी भाई, हमारे किसान भाई, सब लोग हम लोग बल के शासन प्रशासन का और सहयोग कर देंगे। हम लोग भी एक दिन का रोजगार वहां पर अपना निःशुल्क हम लोग दे देंगे। लेकिन ये बांध रीना टोला में बंधना चाहिए कि नहीं बंधना चाहिए। इसलिए माननीय विधायक महोदय जी ने जब तक वहाँ के ग्राम सभा नहीं लिखेगी, क्योंकि पेशा कानून लागू है, ये सरकार ने माननीय विधायक महोदय जी को विधानसभा के अंदर कहा था, उसकी कॉपी है। लेकिन अब सरकार देखिए, एक तरफ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आप लोगों को बताना चाहता हूँ माननीय महोदय जी, हमारे यहाँ 22 नवंबर को, नहीं सर, ये 15 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया शहडोल में आई और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब मंच में उछल उछल करके आदिवासी भाइयों को कह रहे थे कि मैं तुमको बहुत बड़ा अधिकार देने वाला हूँ, अब तुमको कोई खतरा नहीं होगा, आप लोगों को राजा बना रहा हूँ, तुम्हारे क्षेत्र में भी तुमसे बिना पूछे कोई नहीं आएगा। ये सब कहा मेरे आदिवासी भाई, मेरे किसान भाई वहां जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। उस दिन से लागू हुआ और पैसा एक लागू होने के बाद सर यहाँ पर इन किसान भाइयों के चोरी छिपके इनको इनके घर द्वार से, इनके जल जंगल जमीन से इनको बेदखल किया जा रहा है। रातों रात फिर से दूसरा कानून बन गया। तो सर आप लोग बुद्धिजीवी हैं सर, हमेशा शासन प्रशासन से लड़ने वाले लोग हैं। मेरा आज आपसे निवेदन है, आप लोग शासन प्रशासन से पूछिए, उसी राष्ट्रपति से पूछिए जो राष्ट्रपति यहाँ आकर के पेशा कानून लागू किया, उसी राज्यपाल से पूछिए जो राज्यपाल आकर के यहाँ पेशा कानून लागू किया, उसको जाकर पूछिए कि आप शहडोल के धरती में क्या बोले थे, क्या आप उन आदिवासी भाइयों को झुंझुना पकड़ाए थे या क्या किए थे। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं इसी कड़ी में सदर आमंत्रित करता हूँ हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भुवनेश्वरी सिंह जी को कि आप आए और